किराना व्यापार मंडल का वार्षिक उत्सव एवं शपथ ग्रहण समारोह हुआ आयोजित। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 4 जनवरी को शहर के मऊहरिया स्थित गणेश पैलेस में किराना व्यापार मंडल का वार्षिकोत्सव एवं शपथ ग्रहण समारोह का एक आयोजन हुआ, जिसमें सर्वसम्मिलित से आलोक सागर पुत्र स्वर्गीय श्री राम सागर कसोधन जी को किराना व्यापार मंडल का अध्यक्ष एवं महामंत्री पद के लिए, गया प्रसाद अग्रहरि मास्टर साहब और कोषाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल को निर्वाचित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत कई कार्यकारिणी में किराना व्यापार मंडल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। बताते चले कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रूपेश सिंह विधायक प्रतिनिधि, पूर्व चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल, पूर्व विधायक अनूप संदा, वर्तमान नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अजय जायसवाल, जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश अग्रवाल, सराफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष देवी प्रसाद सोनी, नगर अध्यक्ष शिव कुमार अग्रहरि, प्रांतीय महामंत्री आलोक आर्य की उपस्थिति कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही थी। इस कार्यक्रम में श्रेष्ठ व्यापारी सम्मान के रूप में श्री राम सागर कसोधन को निरंतर 10 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर रहते हुए लोगों की सेवा करने के लिए सम्मानित किया गया। किराना व्यापार मंडल के संरक्षक गोवर्धन दास कनोडिया ने आए हुए सभी व्यापारियों को धन्यवाद दिया और भविष्य में व्यापारी हित में अपने आप को समर्पण करने के प्रेरणा के साथ अपना संबोधन दिया। तो वहीं कार्यक्रम के अंत में पत्रकारों को पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण और बैच लगाकर सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का भी किराना व्यापार मंडल ने अंग वस्त्र और माल्यार्पण के साथ उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष आलोक सागर जी ने आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और भविष्य में अपने तन मन धन से किराना व्यापार मंडल के हित के लिए हर्षद प्रयास करते रहेंगे और किराना व्यापार मंडल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने और जनपद में व्यापार मंडल को एक नया आयाम देंगे। इसी सोच को लेकर तो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बोला कि एक कदम पदाधिकारियों का अगर मिल जाएगा, जनपद में किराना व्यापार मंडल के द्वारा व्यापारी हित में जो संभव होगा उसके लिए सदैव तैयार रहेंगे। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। भैया, ये व्यापार मंडल का चुनाव हुआ पिछले संडे 27 तारीख को, और उस चुनाव प्रक्रिया में निर्विरोध और पूरी तरीके से इसे इस पद को अध्यक्ष पद का मुझे सौभाग्य मिला। मैं श्री राम सागर कसोधन सुपुत्र आलोक सागर, जो 10 साल से पिताजी हमारे इस व्यापार मंडल को चला रहे थे, और इस निर्वहन करने के बाद इस पद को आज इसका शपथ ग्रहण समारोह था, और इस शपथ ग्रहण समारोह में सारे विशिष्ट जन, जिसमें विधायक, सांसद निधि चेयरमैन साहब और विशिष्ट अतिथि सारे लोग आए हुए थे, और इस कार्यक्रम का उन लोगों के निरीक्षण में ये कार्यक्रम संभव हुआ। और मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए। पिताजी पद पे थे जी, जी किस पद पे थे और किस पिताजी इसी पद पर थे 10 साल से निर्विरोध, वो भी चुनाव लड़ रहे थे, और व्यापारियों के वजह से हमेशा हर साल जब चुनाव की प्रक्रिया हो तो निर्विरोध उन्हें इस पद को दे दिया जाता था, क्योंकि वो उस पद के लिए इतने सटीक हो चुके थे कि कोई और पद पर बैठना पसंद ही नहीं करना चाह रहा था, और उस पद पे हमेशा उन्हीं को देखना चाह रहा था। जी रणनीति में यही है कि हम चाहते हैं हमारे व्यापारी पूरी तरीके से सकुशल रहें, और जो भी विभाग से उन्हें, वो फूड विभाग हो, श्रम विभाग हो, वो लेबर विभाग हो या सिंटेक्स विभाग हो, किसी भी विभाग से अगर उन्हें कोई समस्या है तो उस समस्या का हम निवारण करेंगे, और हम चाहते हैं, हम अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा सहयोग करें, हमारे व्यापारियों का सहयोग करें, कि जिससे कि हम इस कार्यकाल को पूरी तरीके से, इस कार्यक्रम को हम चला सकें। जैसा कि अपने सुल्तानपुर में कई व्यापार मंडल हैं, आपका भी एक व्यापार मंडल है, किराना व्यापार मंडल है, इस पर आपका क्या ऐसा कोई फोकस है? जी, किराना व्यापार मंडल अपने आप में सबसे पुराना किराना व्यापार मंडल है, जो काफ़ी सालों से सबसे पुराना व्यापार मंडल रहा है, और इनकी नीतियाँ निस्वार्थ हैं, जो पूरी तरीके से किसी भी राजनीतिक दलों से ताल्लुकात नहीं रखती हैं,
इनका सिर्फ एक ध्येय है कि पूरी तरीके से व्यापारी हित में काम करना और व्यापारी एकता को बनाकर चलना और किसी भी व्यापारी को कोई भी दिक्कत हो उनका तुरंत हल करना।